सबका स्वागत है। आज हम देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां बड़े शबाब पे हैं, लेकिन यही चुनावी सरगर्मी आपके उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में बड़े पैमाने पे शबाब पे है। और यहाँ पर एक ऐसा नेता चुनाव में खड़ा है जिसने सीधे राजा मनकापुर को ललकारा है। वो नेता कोई और नहीं, पंडित सिंह है। पंडित सिंह के लिए एक शेर कहना चाहूंगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों, ये वही पंडित सिंह हैं जिन्हें आज से 15 वर्ष पहले उनके विरोधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, लेकिन पंडित सिंह आज भी उसी तरीके से पूरे मुस्तैदी के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अब लोग कहा गए हैं उनके दलाल घूमिया है, गए वे सब मुसलमान पंडित सिंह का वोट दे दिया था। अब हिंदू भले खो जाओ तो क्या पंडित सिंह हिंदू ना हो? पंडित सिंह से बड़ा हिंदू राजा रानी है। हर मंगल का भूखा रही था, हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन करी था, और जो है सवेरे उठ के अगरबत्ती लगाई थे भगवान का। अब बताओ, भगवान के कृपा ना हो तो हम राजा रानी घर में तो पैदा नहीं भैन रहा, गरीब के घर में पैदा भैन रहा तो राजा रानी से कम हमार हैसियत है का? तो ये कृपा हमारे ऊपर भगवान के है। यहाँ तक कि वो सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान विधायक भी हैं। आपको बता दें कि पंडित सिंह इस बार राजा मनकापुर के बेटे कीर्तवर्धन सिंह को ललकारा है। उनकी रैलियों में पूरा जन सैलाब उमड़ जाता है। यहां तक कि पंडित सिंह जो गोंडा लोकसभा सीट से खड़े हुए हैं, उनका इलाका वजीरगंज तक भी आता है, और वजीरगंज के जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सब पंडित सिंह की तरफ हैं। पंडित सिंह ठाकुर हैं, लेकिन इनके नाम से जो पंडित जुड़ा है तो पंडित और ब्राह्मण समाज भी इनके साथ है और मुस्लिम समाज भी इनके साथ है। यहाँ तक कि जितने शिया समाज हैं वजीरगंज इलाके के, वो चाहे रिस्वी नगर बौगड़ा हो या सहबापुर हो या कछुआ हो या खुरासा हो या नवाबगंज में कुछ कम शिया समाज के लोग, ये सब पंडित सिंह के साथ हैं। यहाँ तक कि वजीरगंज में पूर्व प्रधान हादी हसन जो शिया समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो पूरे दलबल के साथ पंडित सिंह के साथ हैं। और जो रिजवी नगर बोगड़ा है, वहाँ के जितने शिया हैं सब पंडित सिंह के साथ में हैं। और दूसरे भी वर्ग के लोग, वो चाहे यादव हों या कुर्मी हों या ब्राह्मण हों या ठाकुर हों, जितने भी वर्ग के लोग हैं सब पंडित सिंह के साथ हैं। इसलिए इस बार उम्मीद ऐसी जताई जाती है कि कमल मुरझा जाएगा और पंडित सिंह का परचम बुलंद होगा। इसलिए कि पंडित सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए काफी काम किया है, रास्ते का काम किया है, पानी का काम किया है, और गरीब जितने थे उनको रोजगार दिलाने का काम किया है, लोगों की परेशानियों को सुना है। इसलिए पंडित सिंह को हर हाल में जीतना है, ऐसा इस इलाके के लोगों का कहना है। वजीरगंज इलाके के शहंशाह रिजवी जो बीडीसी हैं, नेता हैं, उनका रुझान बीजेपी में था, लेकिन इस वक्त शायद वो
पंडित सिंह की तरफ हैं। दबी जबान से उन्होंने कहा कि इस बार पंडित सिंह जीतेंगे, और पप्पू प्रधान है उनका भी कहना है कि पंडित सिंह जीतेंगे, और बहुत से लोगों का समर्थन प्राप्त है पंडित सिंह को। इसलिए जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, विपक्षी हैं, कीर्तवर्धन सिंह उर्फ राधा भैया, उनके खेमे में बड़ी खलबली मच गई है। लोग जो है कुछ मायूस नजर आ रहे हैं, इसलिए कि पंडित सिंह का जनाधार बढ़ता ही जा रहा है। उनकी रैलियों में काफी पब्लिक और काफी लोगों का आना इस बात का संकेत देता है कि पंडित सिंह का जीतना तय है। बल्कि पंडित सिंह ने अपने भाषण में तो बीजेपी के लिए ऐसी बात कह दी कि लोग बड़े हैरत में पड़ गए। पंडित सिंह ने तो बीजेपी के बड़े नेता को राक्षस तक कह डाला। आप खुद सुनिए पंडित सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को क्या कह रहे हैं। वहाँ जो है बीजेपी के बड़े नेता लोग जो है अभी से उन्होंने तय कर लिया कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का कौन बनेगा, वो कौन बड़े नेता है, इसीलिए वो नाम ले रहे हैं कि फला बनेगी। ऐसा है कभी कभी जो है बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटे राक्षस को भी इकट्ठा करना पड़ता है। कौन है बड़ा राक्षस? बड़ा राक्षस कौन है इस समय? इस देश के लिए सबसे बड़ा राक्षस जो है भारतीय जनता पार्टी हो गई है। उसको मारने के लिए बंदर भालू सबकी जरूरत है, जो आना चाहेगा सबका स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा राक्षस कौन है? सबसे बड़ा राक्षस जो होगा राक्षस वो तो आप जानते ही। अरे मंत्री जी आप सबसे अरे पार्टी का जो बड़ा नेता होता है वही उसको अगर कोई बोलेगा तो उसी राक्षस कौन तय करना काम आपका है। अखबार वाले लिख देते हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बने हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग और बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जनता उनकी सीरियस नहीं लेती है। आज प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी का नाम सुबह लेना शुरू करते हैं जैसे कोई भगवान का नाम लेता हो, उसी तरह से राहुल गांधी का नाम अमित शाह जी और मोदी जी ले रहे हैं। इस बार राजा के किला ढहाने की कोशिश करते हुए और पंडित सिंह का परचम बुलंद करना चाहती है। सुल्तान रिज़वी पब्लिक चैनल।